Assalamualaikum students, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आज जो है हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे आगे, और आज का लेक्चर नंबर 6 है। और लेक्चर नंबर 6 में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर का। देन इसके बाद जो अगर आपका लेक्चर गया या हमने क्लास में ही पढ़ा तो उस टॉपिक पर जो है हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो है हम सॉल्विंग अ बाइलिंगुअल प्रॉब्लम में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डेटा एनालिसिस एंड डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस एंड डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि डेटा एनालिसिस एंड डेटा ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जब कोई बाइलिंगुअल प्रॉब्लम पर जो है काम किया जा रहा होता है या वो कम्प्लीट हो जाता है, तो कम्प्लीट होने के बाद जब हम रिजल्ट या साइंटिस्ट रिजल्ट लिखते हैं उसका, तो जो भी कैलकुलेशन उसकी होती है उसको जो है एक उसको जो है एनालाइज किया जाता है। डाटा को जब कलेक्ट किया जाता है, कोई भी बाइलिंगुअल प्रॉब्लम है उसका डाटा जब कलेक्ट होता है, तो कलेक्शन के बाद उसकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कलेक्शन, उनको उसको ऑर्गेनाइज करना, देन उसके बाद उसकी एनालिसिस की जाती है, ठीक है। बगैर ऑर्गेनाइजेशन के और एनालिसिस के कभी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं करते साइंटिस्ट, ठीक है। अब अगर हम डेटा एनालिसिस की बात करें आगे, तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बोर्ड में ये सब कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ कि डेटा एनालिसिस की जो है वो टू वेज होते हैं, दो टाइप्स होती है डेटा एनालिसिस की, एक द फॉर्म ऑफ रेशियो और दूसरा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो कैलकुलेशन की जाती है। मैथमेटिकल एक ये तरीका है, मैथड है, जिसके जरिए हम साइंटिस्ट जो है वो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की कैलकुलेशन करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है ये किसी बीमारी की शक्ल में हो सकती है, तो उससे रिलेटेड जो है पेशेंट की तादाद और वो कौन सा जर्स हुआ या जर्म्स है इसके जरिए वो बीमारी फैल रही है, उसका सारा हिसाब किताब लगाना जो है वो ये सारा जो है वो रेशो की फॉर्म में निकाला जाता है और उसके बाद प्रोपोर्शन की फॉर्म में निकाला जाता है। तो बेसिकली अगर हम रेशो की बात करें, अच्छा अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो जो होता है वो यहाँ पर ए रेशो बी, मतलब इसमें ये डेटा है इसका ए और ये रेशो जो है एक डेटा की फॉर्म में होता है। जबकि हम प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन में दो डेटा इन्वॉल्व होते हैं और ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर साइन जो शो किया है ये इक्विवेलेंट का जो है वो साइन है, मतलब इसमें हमें दो डेटा की प्रोपोर्शन जो हम निकालते हैं किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी उस डेटा का, तो उसमें क्या होता है कि हमें जो है दो डेटा वहां पर सॉल्व करने होती है और दो डेटा वहां पर मौजूद होता है, जबकि जो रेशो में हमारे पास एक ही डेटा जो है वो मौजूद है, वो दोनों एक दूसरे के जो है वो क्या होते हैं रेशो, इससे इसके जरिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का रेशो निकाला जाता है। अब रेशो निकालने का तरीका यह है कि सपोज दैट हमारे पास जो है 150 जो है लोग मौजूद हैं, उनमें से जो है 50 ऐसे लोग हैं जो हेल्दी है, जबकि और वो जो 150 हैं, सॉरी 200 जो है हमने यहाँ पर लिया है, 200 यहाँ पर लोग मौजूद है पर्सन है, उनमें से 50% जो है हेल्दी है, जबकि जो 150 है वो इन्फेक्टेड है, वो बीमार है, और उनको जो बीमारी है वो क्या है मलेरिया है। तो यहाँ पर जो रेशो निकलेगा जिसका आप देख रहे हैं वो 1:3 का निकलेगा, 1:3, इसका मतलब है कि हमारे पास जो हेल्दी लोग हैं उनकी तादाद जो है वो कम है, जबकि जो इन्फेक्टेड हैं पेशेंट या इन्फेक्टेड पर्सन हैं जिनको मलेरिया हो उनकी तादाद ज्यादा है। तो इससे यही यहाँ पर प्रूफ हो रहा है कि जो कम तादाद है उसको हमने 1 से, और जो तादाद में ज्यादा है यानी जो हेल्दी है वो 50 है तो 1, और जो ज्यादा है इन्फेक्टेड यानी 150 वो 3, तो 1:3 यहाँ पर जो है वो कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है। तो रेशो इस तरीके से निकाला जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं।